और अक्सर एक सवाल पूछा जा रहा है कि साहब आपके पास दो मेंबर थे, आपने कैसे स्टेक क्लेम की? आई हैव नॉट लॉस्ट माई माइंड, इफ आई हैड स्टेक्ड अ क्लेम वी हैड द नंबर्स। अब एक व्यू पॉइंट ये भी आता कि साहब आप क्या पार्टी तोड़ रहे थे? देखिए, पार्टी तोड़ने में और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर कोई काम करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने नहीं लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने नहीं बनाया, वो हमसे पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने बनाया। उसमें अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहाँ MLAs को ये लगे कि उनका सर बेचा जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, जिन हरीफों के साथ आइडियोलॉजिकली उन्होंने ग्राउंड पे लड़ा है उनके साथ मिलकर कोई अनहोली अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बनाया जा रहा है, अगर वो खुद आ जाए तो मैं तो अपने दरवाजे बंद नहीं कर लूँगा। अगर इफ़ सम विंडफॉल कम्स व्हाई शुड आई से नो? और सबसे बड़ी बात यह है कि द इंस्पिरेशन फॉर एन MLA फॉर अ पार्टी वर्कर हैज़ टू कम फ्रॉम इट्स लीडर। इफ समबडी कांट इंस्पायर हिज और हर ओन MLAs, यू कांट पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स। हैविंग सेड दैट, वी हैड द नंबर्स, हिज एक्सलेंसी द गवर्नर, आई टॉक टू हिम ऑन फोन, उनने बोला आप फैक्स करो, जब हमने फैक्स किया तो वो एंगेज था, उसके बाद हमने सारे फ़ोन मिलाए वो भी एंगेज थे, जिनसे हमने पहले सेक्रेटरी साहब से बात की वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो फाइनली हमने व्हाट्सएप कर दिया जस्ट टू शो कि साहब हमने आपसे ये। बहरहाल उन्होंने फिर भी डिसीजन लिया और हम गवर्नर, हमें इश्यूज हो सकते हैं, वी मे नॉट एग्री विद दिस डिसीजन बट वी हैव एक्सेप्टेड दैट डिसीजन। दूसरे साइड से मैडम हैं, अब मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो चिट्ठी उनने लिखी है गवर्नर साहब को, आप उस चिट्ठी को एक बार पढ़ तो लें। अगर कोई जूरिस्ट हिंदुस्तान में बोल दे दैट इट एड्स अप टू स्टेकिंग अ क्लेम, वो तो सबसे पहली बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जितने भी गवर्नर्स हैं, व्हेन यू राइट टू देम देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल। वो तो लग रहा था कि दोस्त को चिट्ठी लिखी है, ए भाई भाई मैं पता हूँ चीज, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज नॉट हाउ यू स्टेक अ क्लेम दैट आई वॉन्ट टू कम एंड मीट यू। एंड देन गवर्नर साहब नोज देम फॉर द लास्ट टू डेकेड्स, हमको तो जानते ही नहीं, हम तो एक बार मिले, हमारे पास तो उनका फ़ोन नहीं है, इनके पास तो उनके मोबाइल फोन सब कुछ है, ये एक दूसरे के घर आते जाते हैं। सो दे कुड हैव मेट देम। बहरहाल जो हुआ, वी आर रेडी फॉर न्यू इलेक्शंस। अगर इनको मलाल है, आई चैलेंज देम टुडे, लेट देम गो टू कोर्ट, आई थिंक दे हैव अ गुड केस ऑन द कोर्ट। आई प्रॉमिस देम दे गो टू कोर्ट, आई एम श्योर कोर्ट विल गिव देम रिलीफ, एंड आई प्रॉमिस यू विल प्रूव द नंबर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अभी इमरान साहब आए, इन्होंने सिर्फ एक बिस्मिल्ला किया, अभी तो लंबी लाइन है हर जगह से, बिकॉज दिस इज अ मोमेंट फॉर चेंज दैट दे केम टुगेदर टू सेव आर्टिकल 370। वो बयान आया इनका, किसके साथ मिलकर? कांग्रेस के साथ। आई थिंक 52 अमेंडमेंट्स, ऑल डन बाय कांग्रेस, 90% इरोजन, ऑल बाय कांग्रेस। सो ये बचाने किससे आए थे? इरोडर से। आप कुछ भी करिए बट एटलीस्ट स्टॉप लाइंग नाउ, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ई मीडिया, कितना झूठ बोलेंगे? सीधे बोलिए कि ये हमारी मीरास है, हमारा फीफ है, 6 साल वो 6 साल मैं, किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। दिस इज द रीजन दैट दे केम टुगेदर। GST पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती थी कि बेच दिया PDP ने, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी तो वो बैंकिंग लॉ एक आ गया तो PDP ने बोला बेच दिया, आज सब खत्म, किसी ने कुछ नहीं बेचा, अब जी हम बचाने आए हैं। सो द होल आइडिया वॉज कि इनको नहीं आने देंगे। ठीक है, आप कामयाब हो गए उसमें, आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ये कामयाबी आपको मुबारक हो, एंड ऑफ द स्टोरी। बट मोरालिटी का हैट लगाना कि साहब अब हम बचाने आए हैं, अब हम बाकी चीज लगाने आए हैं, ये जी BJP वाले हैं। अगर BJP के साथ अलाइन करना कोई गुनाह है तो ये गुनाह तो पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है, वो तो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तो NDA के तब पोस्टर बॉय थे, मुझे याद है वो ट्रेड मिनिस्टर, तो मेरे फादर की डेथ का वाका हुआ। आप वी द पीपल चेक कीजिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डेड, तो क्या हुआ, मरा तो मरा, दैट वाज हिज दिस थिंग। वो चेहरा भी मुझे उमर अब्दुल्ला का याद। अब जो अपनी मैडम साहिबा हैं, 3 साल तो ये भी पावर में उनके साथ थे, तब कोई खराबी नहीं थी, जब हम करें तब खराबी है। एंड द ऑल्टरनेटिव एज अ नेशनल पार्टी टू BJP इज द कांग्रेस,
तो वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? उन्होंने कौन सा आर्टिकल 370 के साथ कौन सा उन्होंने कोई जस्टिस किया हुआ है आज तक, आप ये बता दें। या जब 1975 का अकॉर्ड हुआ, जब शेख साहब आए, तो गवर्नर के जितने भी राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ही फर्स्ट साइन दैट अवे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई बड़ा एंजल हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दे आर नॉट एनी एंजल्स। लेट देम वो माजी में देखे एंड देन दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। मैं दिल्ली की कुछ चैनल से बात कर रहा था, मैंने उनको भी ये बताया कि खुदा का वास्ता आप क्यों पीआरओ बनते हैं इन दो डायनेस्टीज के, पूरे दिन आप चलाते रहे हैं कि जहां मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जब 87 का मामला हुआ, यहां तो सब पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो गई थी। खत्म क्यों हुई कि 87 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस कांग्रेस में मरहूम मुफ्ती साहब भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके टोटल रिगिंग कर दी, गन आ गया। मैं नहीं बोलूंगा इट वॉज द रीजन ऑफ गन, बट इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, इट फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ अ गन एंड थ्रस्ट गन ऑन पीपल हु हैव बीन पीसफुल फॉर सेंचुरीज। आज तक वो गन नहीं निकला, 1,00,000 लोग मरा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर 96 का इलेक्शन हुआ, आप दिन पर हाथ रखकर बताइए वो कौन सी डेमोक्रेसी थी। इट वॉज गिवन ऑन अ प्लेटर, 2002 वॉज ऑलमोस्ट अ प्लेटर। सो दीज प्लेटर बिल्ट अप इन्वेंटेड मैन्युफैक्चर्ड डायनास्टीज, दे वर गिवन पावर टू कंसोलिडेट देयर बेस एंड नाउ दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। सो दीज आर द थिंग्स आई वॉन्टेड टू पुट बिफोर यू, दैट दिस इज वॉट हैज हैपेंड, दैट दिस वॉज एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस जस्ट टू एंश्योर एंड स्टॉल द एंट्री of the third regional party, but they have failed. We have emerged. We inshallah are the new alternative. We will go to the people's court, we will go from village to village, and then let the people decide what they have to do. Thank you. How many people's conference? कोई कश्मीरी पॉलिटिशियन कांट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग इट। इट इज एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट इज नॉट अबाउट वो उनका। देखिए आई विल टेल यू समथिंग, अगर हमारा जो हम रीजनल पार्टी हो, हमारी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, व्हेन यू टाई अप विद द नेशनल पार्टी, द रीजन यू टाई अप इज बिकॉज योर आइडियोलॉजीज डोंट ओवरलैप। इफ दे ओवरलैप देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ देम। सो व्हेनेवर देयर इज एन अलायंस बिटवीन टू पार्टीज, इट इज इनहेरेंट दैट सिंस दे आर नॉट सिमिलर, सिंस दे आर नॉट टोटली टुगेदर, that's why they are having an alliance, otherwise there would be one party. Means you won't be yes man or BJP. Sajjad sir, Mehbooba Mufti has alleged that there was some kind of headhunting and Yasir Rishi was intimidated by NIA. Yasir Rishi sahab ne abhi tweet kiya hai us jisme unhone Mehbooba Mufti sahab ko request kiya hai ki unka naam istemal na kare, unhone bola hai ki mujhe intimidate nahi kiya, aap unka tweet padhiye, abhi unhone tweet kiya hua hai. Sajjad sir, so I don't know what. Sajjad sir, how is Sajjad zone different from other political parties? Dekhi, I will tell you something. Whatever I tell you today could be a lie, but the reality is that we are here as a part of a struggle. Ye bolte hain kabhi ki aap bhi dynast ho. Dynast kya dekha hai? Baat 10-15 saal jail mein tha. Main khud jail mein tha. Interrogation liya. Allah Taala jitna mandi tisi dynasty isme dil se. Ye task pe ek patte re phir task ka chawana. So I have seen those things. I have come from the ground. I have made a transition, a very That's difficult right. transition, right? What I believe is ki dynasties ka ek inherent trait hota hai to centralize power. Because unko lagta hai ki kal mera bachcha aayega, usko kahin ye power kam na pad jaye. I think the biggest challenge facing us is that we are not able to decentralize and liberalize our business rules, our governance. That's why you will see that money is piled up, not spent. Plus, ideologically they are lying to people day in and day out. I can promise you what I say in Delhi and what I say in Srinagar, there will be no difference at all. Same statement there, same here. How many more people you are expecting to join you? Yaar हाँ, सब तो एट ए टाइम नहीं ना, ये नॉक करते एक एक करके आया, एक एक करके। मिस्टर सजाद, अल्ताफ बुखारी वाज प्रोजेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर एंड कैंडिडेट हैड द गवर्नमेंट बीन फॉर्मड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिज नेम हैज फॉर्म यू नो सरफेस्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए दैट हिज कार वाज यूज्ड बाय अ पर्सन हु वाज अ बिजनेसमैन एंड इट वाज अ आरडीएक्स लीडर, देयर इज साइलेंस बाय द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हाउ डू यू सी डेवलपमेंट। पहले तो यार आई थिंक योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, इट वाज अब्दुल रहमान वीरी, अल्ताफ साहब नहीं थे, सुबह जो खोलुक बेल पास। आप कह रहे हैं कि पीडीपी कोर्ट चली गई, वहां से वो ऑर्डर लेके आए, साइलेंस बाय पीडीपी नंबर्स ऑन द फ्लोर।
अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आपने 5 महीने वेट क्यों किया और आप कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? मेरे भाई नंबर एक, मैंने इनको भी बताया, ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग मेरे पास एट अ टाइम ग्रुप में आए, एक एक करके आ गए, किसी को रियलाइजेशन आज हुई, किसी को कल हुई, और सबको पता था कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में सरकार बननी है, राइट? सो इन्होंने वो किया, मैंने बोला कि मैंने मान लिया गवर्नर का डिसीजन, वो बोल रहे हैं हमने नहीं माना, वो जाए ना, मैं तो कहता हूँ वो जाए, मैं प्रूव करूंगा, इट्स अ टंग इन चीक रिमार्क, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट इज डोंट टेक अ वर्बेटिम मीनिंग ऑफ व्हाट आई सेड, इट्स अ टंग इन चीक रिमार्क, लेट देम गो, इफ दे हैव द करेज लेट देम गो टू कोर्ट, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रांग केस। मानते हैं कि 5 महीने तक आपके पास नंबर्स नहीं थे सरकार बनाने के, मैंने ना मवा, आप बोल रहे हैं, डोंट पुट यू सर, सर सर जी माड़ी गल सुनो, डोंट स्पिट इन माई माउथ, वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दीज आर योर वर्ड्स नॉट माइन, आई सेड दे केम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर देन यू थिंक डिसाइड बनाए नहीं बनाए, बाकी लोगों से बात करनी थी, बाकी पार्टियों से बात करनी थी जो सपोर्ट करें, इट डजंट हैपन ओवरनाइट, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। कैन वी टॉक टू मौलवी साहब, मौलवी साहब कैन वी आस्क समथिंग टू यू? जी प्लीज। देयर आर रिपोर्ट्स, आई मीन आई हैव एविडेंस दैट वन फॉर्मर हवाला ब्रोकर टर्न्ड पॉलिटिशियन, ही इज इन कांटेक्ट विद यू एंड देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट ही मे बी जॉइनिंग यू आफ्टर सम टाइम बिफोर इलेक्शंस। अरे देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू जॉइन अस, सब कौन सा है, क्या है, हवाला है या क्या है, I don't know about that, but line hai is because there are so many people who want to join us. I can't really comment on this particular person who you are talking about, but there are so many people, and I have been stating this from the day one that we had the numbers. Now Sajjad sahab abhi farma rahe the, I think you want to skip the question on hawala issue. Nahi, I don't, because I have never dealt with these type of people, you know. हम सीधे साधे लोग हैं यहाँ, हम लोगों के लिए नहीं, देर आर सो मेनी पीपल हु वॉन्ट टू ज्वाइन अस, वेदर दे आर इन हवाला और दे आर आउट ऑफ हवाला, आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट वी हैव सो मेनी पीपल हु आर रेडी टू ज्वाइन अस, हु वर रेडी टू ज्वाइन अस बिफोर ऑल्सो, एंड इंशाल्लाह इन कमिंग डेज यू विल सी हाउ मेनी पीपल, एंड एवरी थिंग विल बी इन पब्लिक डोमेन, हूसोएवर विल ज्वाइन अस we will show them in the public, nobody, we are not going to hide anybody, jo hamare paas ho gaya wo sab log used by Ram Madhav and the investigation initiated by NIA, the statement given by Ram Madhav that the links of regional parties with Pakistan and now the NIA investigation on Altaf Bukhari, well that they, you have to ask them, I don't think dekho main aapko ek baat bataun, the silence by the people's democratic, dekhiye meri baat suniye ek cheez, Kashmir is not a normal place, there is a lot of violence, lot of killings, death, destruction for the last 3 decades, yahan ka nizam mein kaun kiske sath hai, a reality ek hai ki kisi ko nahi pata, this you also know ki separatism separatism ke sath hai, mainstream wala mainstream ke sath hai, ye unko khud nahi pata, so I will not be surprised by anything, any accusation proving true, I will never be surprised. Nothing will surprise me in Kashmir because halat aise. Sajjad sahab, aapne by being in the mainstream, the one argument which is most mainstream leaders make is that we have to be part of the democratic institution. But when democratic institutions like the governor's house behaves the way it behaves, do you think this argument holds true? नहीं भाई साहब, आप मुझे एक चीज बताओ कि गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट पढ़ा आपने? पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा? उसके बाद कहाँ नंबर थे मैडम के पास? भाई देखो यार, मेरी बात आप सुनिए, पिछले 5 महीने से वो चिल्ला रहे थे कि डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, डिसॉल्व नहीं करोगे तो भी गाली, डिसॉल्व करोगे तो भी गाली, इट कांट वर्क लाइक दैट, वो हुआ, आपने मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट सुना आज तक कि डिसॉल्व करो? जितने डिसोल्यूशन के स्टेटमेंट आए वो या मैडम से आए या उमर अब्दुल्ला साहब से आए, तो आज क्यों रो रहे हैं जब डिसॉल्व हुआ? वेयर वर द नंबर्स? चलो आप सब चीज छोड़ो, ये तो नहीं थे उनके साथ, आप इन दो को ऐड कर दीजिए, अब अगर वो बैक ट्रैक करें वो अलग बात है, वो आजाद साहब ने तो बोला अभी डिस्कशन ही हो रहा था, हमने कोई डिसीजन ही नहीं लिया था, और इवन लेटर में वो लिख रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि शायद वो हमें मदद करते, देखिए ना, देखिए एक एक बात में, एक बात में, मैं एक आपको ही बुलाते नहीं, एक बात करो, बुलाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, बुलाया बेचनज, और एक और दूसरी बात भी ये है ना, देखिए ना, मैडम का ऐसा कहना कि मेरे पास, जैसा सजाद साहब ने अभी फरमाया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, एक एक ऐसी लेटर लिखी थी जैसे कोई दोस्त को लेटर लिखता है कि यार मेरे पास इतने लोग आने वाले हैं, मुझे आप बुलाओ, भाई मुझे एक बात बताइए,
मैं पहले दिन से ये स्टेट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट विद हर, वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, जस्ट डिस्काउंट मी आउट. उसमें वो कह रही है मेरे साथ 29 मेंबर्स हैं पीडीपी के. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास कितने हैं या हमारे पास कितने हैं. मैं पहला ही झूठ ये है कि मेरे पास 29 है. भाई 29 में मैं हूँ नहीं, ये मीडिया को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है. तो ऐसा ही उसने ऐसी एक लेटर लिखी गवर्नर साहब को. वो तो जैसे वो तो ये गुमराह करने के लिए एक लेटर लिखी गई थी. और हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? इफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ समथिंग मैंडेटेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्राइम. नहीं नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का वो बताए ना, लेट हिम क्वालिफाई व्हाट हॉर्स ट्रेडिंग इज. इफ इट इज मनी, अदर थिंग्स, मनी इज नॉट. हमारे पास कहाँ से होगा? 50 साल उन्होंने हुकूमत की है तो पैसा मेरे पास कहाँ होगा? पैसा तो उधर होगा यार. थोड़ा आप ही थोड़ा अकल लगाओ ना यार. हाउ कैन मनी बी विद मी? कोता पूसान, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी. दैट विल बी पीपल हु हैव बीन इन गवर्नमेंट. अरे हमें 3 साल रहे, उसमें भी पीडीपी वालों ने शोर लगाया इसको एन ब्लॉक बन रही है. सच को तक नहीं दे रहे. पीपल्स कॉन्फ्रेंस अभी भी विद इन हाउस डिवाइडेड हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग पॉलिटिक्स आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं. माहौल है कई दिनों से चल रहा है कि काफ़ी बेग साहब और बाकी लोगों की तरफ से भी ताइद आई. क्या आने वाले कल में हम देखें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड होगा विद इन हाउस? सारी जो वॉइस हैं जो क्लेम कर रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैं, क्या हम देखें आने वाले दिनों में सारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है पहले लोन साहब की तरह जो बिगड़ा नहीं? उसने बहुत सुनी मेरी बात सुनी. यहाँ बड़े सीनियर हैं, आप तो बच्चे हैं अभी, और आप 50% ही पॉलिटिशियन हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, बाकी तो आप पॉलिटिशियन हैं. यहाँ सब हैं. आप उसूख से बताइए कि जितनी बड़ी आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस लोन साहब के टाइम में कभी थी? व्हाई आर यू ट्राइंग टू रेक अप एन इशू विच इज पर्सनल? फॉर व्हाट? इट हैज नथिंग टू डू विद पीपल्स. नन ऑफ देम इज एन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. नन ऑफ देम इज एन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. जस्ट 4 lakh लोन names of one name one name is in your score so as mancho was no don't this is not no this is nothing to do with electoral politics, nothing of the sort, nothing of the next is to practice mat kijiye aap dobara kare chu aap jab bhi baat karte hain freshness ki baat karte hain politics mein change ki baat karte hain lekin jab baatein aati hain log hamare sath judenge wo judenge wahi abhi tak jo hum dekh rahe hain यार सब नहीं वही वाले होंगे. लेकिन मुझे आप एक चीज बताओ, जो आपकी पीडीपी थी उनने भी ये बगीचे में नहीं उगाए थे? ये मैक्सिमम तो पीसी का ही कार्डर था. प्रॉब्लम ये है, मोस्ट ऑफ द यू आर वेरी यंग एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक मी एंड लाइक यू एंड ऑल ऑफ अस वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बी क्रिटिकल लाइक एन एल्डर ब्रदर. हमें पढ़ने की ज्यादा हैबिट नहीं है. जरा राइट तो यार चुप करो यार, तुमका है पर गुस्सा हो रहा है. बैठो एक मिनट चुप कर. आई एम आंसरिंग हिम. आप बैठिए चुप कर. पॉइंट इज दैट ये कहां से हो गए? अगर आप इस असेंबली में भी देखें तो एक्सपीसी वाले कितने हैं आप गिनिए जरा. 10-12 आते यस, जो लोन साहब के बड़े करीबी कॉन्फिडेंट्स रहे. सो इन्होंने भी कोई वो खेत में जाकर नहीं उगाए. Of course, yes. We are going to introduce a lot of new faces. Yes, some people. Now there is Imran Sahab. Find me a substitute to him. He has his own mass base. Nobody can penetrate that. Is he not a part of change? Who will you get to penetrate him? He is not one constituency man. इन्होंने पीडीपी को वोट दिलाए हैं 8-9 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. शायद उन्होंने कोई नहीं दिलवाया होगा. यूएलबी इलेक्शंस में मेरे लोगों की हार हुई है कहाँ? सर वार्ड नंबर 17 that was Shaukat from Khumanichot, he was your candidate. Yes. In SMT there was Zulfikar, he was your candidate. Yes. In Parimpura Ashok Sharma was your candidate. They all failed. नहीं क्या बात भैया हमारा. नहीं एक बात मुझे बताइए ना. अब 3 है उसे क्या आप उससे आप ये जो बाकी जो जीत के आए बाकी जो जीत के आए जिस पर हमने मेयर बनाया जो हाईएस्ट नंबर के इस पर मेयर बना है पहली बार हिस्ट्री में इतने आए नहीं है तो वो तो आप डिस्काउंट कर रहे हैं. बोले बोले
आपने अभी कहा कि 50 साल उन्होंने हुकूमत की, पैसा उनके पास होगा, तो हुकूमत में आने से पैसा कैसे कमाया जाता है, थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे। आई विल टेल यू समथिंग दैट इट इज ओनली इन नन ऑफ द प्रोफेशंस इज फ्री। वी लिव इन साउथ एशिया where corruption is a part of life in every profession, including politics and journalism and legal fraternity, doctor, engineer, sabko mila right? So jaise usme kamaya jata hai waise usme bhi kamaya nahi. Main I want to elaborate on this thing. Aap sab jante hain, Sajjad sahab shayad guarded jawab de rahe hain aapko. Aap sab log jante hain, har ek aadmi ka aapke paas background hai. Sheikh sahab kahan se aaye? Sohra se. What did he have? सबको पता है. आज देख लीजिए, शेख साहब के फर्जंद लंदन भी में भी मकान है, साउथ ऑफ फ्रांस में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, गुड़गांव में भी मकान है, एंड दे आर एड्रेस्ड इन दिल्ली एज द शेख्स ऑफ कश्मीर. नोबडी आस्क्ड देम. आप मुझे बताइए लाया कहाँ से. जब बात अगर आपको छेड़नी है तो बार बार बात करेंगे. लाया कहाँ से कोई करता है, नौकरी कोई करता है. आप बताइए मुझे लाया कहाँ से उन्होंने, जो इतनी संपत्ति उनके पास है. हर एक के पास तो गाड़ी दो दो तीन तीन करोड़ रुपए की है. ऊपर से नीचे तक जो लगाया हुए कपड़े होते हैं वो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए के होते हैं. अब सजाद साहब ये इसका जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा. डू यू मीन कि दे लूटेड द पब्लिक मनी? यस डेफिनेटली दे लूटेड. आया कहां से? अगर मैं बिजनेस करता हूं, अगर मुझे आप कह रहे हैं कि आपने बैंक को लूटा है, मैंने बैंक में से कर्जा उठाया है, मैंने उसके अगेंस्ट मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है, आप मुझे बताइए ये लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे चलना जैसे ये आज की डेट में, ये तो बताइए. शेख अब्दुल्ला था को उसके ग्रैंडफादर ने रखा क्या था? फारूक अब्दुल्ला साहब के पास हजारों करोड़ रुपए आए कहाँ से? उमर अब्दुल्ला साहब के पास हजारों करोड़ रुपए आए कहाँ? इसका मुझे जवाब दीजिए. आप तो सिर्फ ये कहेंगे, आप सरदार साहब से कहेंगे कि फिर पॉलिटिक्स में पैसा कहाँ से आता है, वो उनसे पूछे जिन्होंने कमाया है पॉलिटिक्स में पैसा. सजाद साहब से क्यों जी? ओ यार लंदन में किसका, साउथ फ्रांस यार. अगर मेरे पास दिल्ली में फ्लैट, मैं जनाब बाशुस आई बिलोंग टू अ फैमिली, बुछुस करा रिप्रेजेंट एक तथ कम्युनिटी यथ मज तुम पानस पता छो ये मैं सलामी दह रुपये पेटे दह लक्ष रुपये तान से मे तम त्रा चंदस. अगर बह पगह खर्च कह मे लुको दुत लुको पान मगर यमो ओन तो ओन कत अो फिक्र कास्ट नंबर मास बु आई वॉन्ट टू आस्क सिंपल क्वेश्चन. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज अ टीचर. फ्रॉम टीचर टू दीज टू नॉट क्या फ्रॉम रैग्स टू रिचेस जस्ट आस्क देम द क्वेश्चन वेयर डिड दे गेट इट फ्रॉम. सजाद गनी लोन कैन नॉट पोज दैट आई हैव अ हाउस इन दिल्ली or I have a house on Gupka Road, or he has money to you know, as you say that horse trading ke liye inke paas paisa hai. Ye jinse aapko poochne sawal unse to aap poochte nahi rahi. Main bhi lunga aur agar koi jail jaane ke layak hoga wo jail jayega. There will be, because I'll tell you what, they have fended for each other. Maine andar bhi dekha. Ye himself shit par tha wahi nahi chuna san karu. That will not happen here. Look, I'll tell you something. But when you were minister, this happened with you also. Not me. I was a witness at times. Oh, yeah, ministry bhi chahiye thi. Kya ho gaya? Fir problem badh jati hai. You want? Sajjad sir. Ek minute, I'm. I have sought votes in the name of development. And when you are an MLA or a minister, you can only develop. Jo baki issue hai, that is very big. That is bigger than our assembly. It is something we stop lying to the people. It is something which the government of India has to take a call. And we, as a facilitating party, can facilitate government of India in assessing the situation and taking steps for the remedy of these problems that are afflicting us. But it is not a short term. There is no short term solution. This condition will persist for a very, very long time. Anybody who is seeking short-term solution is either mistaken or is lying. Short-term, isme kuch nahi hona. It is a decades wala kaam. Without violence from the society. Dekho beta, jab tak gun hoga, non-combatant to chhod diye. We should first of all try that nobody ever touches a non-combatant. Lekin jahan combatants ka sawal aata hai, to wahan kya kar sakte hain? You are okay with don't put words into my mouth. Just try to understand. This is a very sensitive question.
I said, when there is a combatant with a gun, और यहाँ से आप आते हैं, there will be a gunfight. आप क्या करोगे उसमें? आप बताइए ना क्या करोगे? अगर आप होते पुलिस चीफ, आप क्या करते? यार लोग कैबिनेट लिए गन जो है ना, ये किसी की बात मानता नहीं है. ये ले गॉडनेस आए मिल्टन 89ers में, हम गए एक इस बड़ी स्लीडर स्पीच, यूज पार्टी आज फ्रंटर्स से, तेम दोनों बिल्कुल नहीं किए, सवाल है चुनपात सब का. ये तेम पर गन थोड़ा स्टेल हो जाए, दोनों घबरा ये सब वाना ती करो. So gun is a different thing altogether. If there is a gun here, you think I will talk like this? So so with a gun ka, once there is gun, there will be a gun to oppose the gun. So our part should be to reach out structurally and ensure that we, because gun se nikalna nahi hai, sirf hamare log banne aur kuch bhi hona. Sajjad sir, Kashmir from the Handwara, from the Harai. Jaisi baat karte hain, dekhiye, I will tell you something. I have fought. देखिए, I'll tell you. आपने पूछा, I'll tell you. मैं इस वक्त भी मुझे पता है जब यहाँ से लोग निकलेंगे क्या बातें होंगी, है दाता पता. तो I have seen a lot of humiliation. कल एक सीनियर बीजेपी लीडर ने लिखा, a wannabe party. How cruel. You don't make fun of people. चलो हम wannabe party हैं, दो ही MLA थे, मगर मजाक तो नहीं उठाते किसी का, बनाते किसी का. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, update rahe hamare saath.